हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा हटके है, बहुत अलग है। ऑनलाइन प्रिपरेशन की एक नई कोशिश है कि अब आपको जो क्वेश्चंस अवेलेबल कराए जाएं वो आपके बुक से ही कराए जाएं। अभी तक भी बुक से ही होते थे, मतलब जो क्वेश्चंस देखिए आपके एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे जो आपके बुक में दिए हुए होंगे, क्योंकि बुक तो है नहीं, आपके पास पीडीएफ अवेलेबल करवाया है ना एनआईएस ने, तो उस पीडीएफ में जो क्वेश्चंस दिए हैं वही क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाएंगे। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन अब यही करेगा। आज 501 का आपके लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो 501 जो आपका है, पाठ्यक्रम भारतीय शिक्षा, प्राचीन भारतीय शिक्षा एक परिप्रेक्ष्य, तो उसके अंतर्गत हम जितने भी क्वेश्चंस आपके पीडीएफ में दिए हुए हैं बुक में, उसी को हमने क्वेश्चंस को उठाया है, देन आपको आंसर बताया है। तो हमारी ये कोशिश कैसी लगी जरूर बताइएगा, और इसी तरह के हर एक सब्जेक्ट के आपके हम जो वीडियोज हैं लेके तो आएंगे। फ्रेंड, जैसा कि सबसे पहला जो आयोग बनाया गया था वो था आपका राधा कृष्णन आयोग, और 1948 और 49 में, यानी कि 1948 एंड 49 में बनाया गया था। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि इन आयोगों की जो आयोग समितियां थी उनका उनका गठन क्यों किया गया था, क्योंकि शिक्षा में सुधार करने के लिए। उस वक्त शिक्षा की दशा ऐसी थी, उस वक्त शिक्षा की दशा ऐसी थी कि शिक्षा विकसित नहीं थी, ज़्यादा ज़्यादा उनमें गुणवत्ता नहीं था, सुधार नहीं था, शिक्षा सभी तक पहुंच नहीं पा रही थी। बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, इन सब कारणों को दूर करने के लिए ही बहुत सारे आयोग बनाए गए थे। आयोग का मतलब होता है क्यों बनाए जाते हैं, यानी एक आयोग, एक समिति, एक कमेटी गठित कर दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि शिक्षा के बारे में आप अपनी राय दें, आप अपने विचार रखें कि आप क्या चाहते हैं कि प्राथमिक स्तर पे या माध्यमिक स्तर पे या विश्वविद्यालय स्तर पे किस तरह की शिक्षा लागू की जाए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। तो देखिए, विश्वविद्यालय के लिए सबसे पहली जो कमेटी या आयोग गठित किया गया था वो था राधा कृष्णन आयोग। इसे विश्वविद्यालयीन आयोग के नाम से भी जानते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, अगर विश्वविद्यालयीन आयोग का आता है तो वो भी राधा कृष्णन आयोग ही होगा। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, राधा कृष्णन आयोग के बारे में, जो 1948 और 49, यानी 1948 एंड 49 में स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग हम देख रहे हैं, देखिए राधा कृष्णन आयोग जो वास्तव में था विश्वविद्यालयीन आयोग था, और जिसका गठन भारत सरकार ने किया था 1948 में, और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, इसीलिए इसका जो नाम था राधा कृष्णन आयोग पड़ गया। जनरली जितने भी आयोग बनाए गए और जो उनके अध्यक्ष थे उन्हीं के नाम से उस आयोग को जाना जाता है। मुदलियार आयोग को ही आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, जो मुख्य इसका सरोकार का मतलब जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, तो देखिए विश्वविद्यालयीन शिक्षा की समस्याओं पर विचार करना, क्योंकि बहुत सारी विश्वविद्यालयीन उसमें समस्याएं थी, तो उनको कैसे दूर किया जाए और मेन क्या समस्याएं थी, थोड़ा सा उस पर भी फोकस डाला जाए, इसलिए राधा कृष्णन आयोग का गठन किया गया। क्योंकि देखिए, स्वतंत्र भारत को राष्ट्रीय विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में युवा नेतृत्व की आवश्यकता थी, और अपेक्षित था कि यह नेतृत्व शिक्षित नवयुवकों से प्राप्त होगा, इसीलिए डॉक्टर राधा कृष्णन को लेकर उनको बनाकर एक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे और अनुशंसा दी थी। अनुशंसा का मतलब ही होता सुझाव देना, तो जैसे आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो अनुशंसा दी थी, सुझाव दिए थे, उनके सुझाव थे कि विश्वविद्यालय के संबंध में था कि विश्वविद्यालय का संगठन, यानी जो बनावट है, नियंत्रण है, कार्य है और कार्य क्षेत्र, इन चीज़ों में उन्होंने अनुशंसा दी थी, सुझाव दिए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि केंद्र तथा राज्य सरकारों से उनके संबंधों से वित्त व प्रवेश संबंधी मानकों को जारी रखने से था, यानी विश्वविद्यालय का जो संबंध था वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो उनसे संबंध बना के रखें, और इसके अतिरिक्त अध्यापक से, परीक्षाओं से और पाठ्यचर्याओं तथा इनकी अवधि से, यानी जो अध्ययन के वक्त जो पीरियड ड्यूरेशन होता है, अनुसूचित भेदभाव से, शिक्षा के माध्यम से तथा भारतीय संस्कृति, इतिहास, साहित्य, भाषाओं, दर्शन, ललित कलाओं के संदर्भ में उच्च अध्ययन के प्रावधानों से भी था। यानी एक ऐसे आयोग की गठन की जाए, विश्वविद्यालय आयोग तो था, एजेंसी बनाई जाए, ऐसी संस्था बनाई जाए जो विश्वविद्यालय पे नजर रख सके, उसके अध्यापन पे, उस पे, उसके कार्य पे, उसके वित्त से संबंधी, यानी जो भी नियंत्रण होता है वो जो संस्था है वो रखे, किस पे, विश्वविद्यालय पे रखे। और देखिए, इसी के लिए देश के उच्च शिक्षा समन्वयन के लिए आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे हम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC कहते हैं, उसके संगठन की सिफारिश की
हुई थी और जिसकी स्थापना तत्काल कर दी गई थी, यानी यूजीसी की स्थापना जो है वो आपके राधा कृष्ण आयोग यानी विश्वविद्यालय जो आयोग था उसके सिफारिश के बाद की गई थी, ठीक है ना। और कार्यान्वित भी कर दिया गया था, यानी काम जो है वो शुरू भी कर दिया गया था यूजीसी के माध्यम से। तो देखिए जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं आपके इसमें इंडिया में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है सबका जो संबंध होता है जवाबदेही होती है वो सीधे होती है आपके यूजीसी, यानी जो एक यूनिवर्सिटी का मानक होता है जो तैयार किया जाता है कि प्रोफेसर के लिए हो, चाहे लेक्चरर के लिए वहाँ पे हो, चाहे किसी भी कार्य के लिए हो, सिलेबस के लिए हो, वित्त यानी कि मनी के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, मानक कौन तैयार करता है? यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तैयार करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मुदलियर आयोग, जो मुदालियर आयोग, सॉरी मुदालियर आयोग जो 1952 में इसकी स्थापना की गई थी। तो अब इसका क्या मेन था, किस लिए इसकी स्थापना की गई थी, मतलब इसके मेन उद्देश्य क्या था, देखिए तो भारत सरकार ने 1952 में इसका गठन किया था और डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो थे इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको मुदालियर आयोग के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो इसका मेन उद्देश्य था वो था कि देश में प्रचलित जो माध्यमिक शिक्षा की जांच करना तथा माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन, इसकी प्राथमिक और उच्च शिक्षा से संबंध एवं विभिन्न प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों के सह संबंध के संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन संशोधन के लिए उपाय सुझाना था। तो आप इतना जान लीजिए कि जो मुदालियर आयोग था, जो उसका संगठन या उसकी गठन किया गया था, वो सिर्फ था किसके लिए, माध्यमिक शिक्षा की जांच करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य हो और उच्च शिक्षा से इसका किस प्रकार का माध्यमिक शिक्षा का मतलब होता है टेंथ का, और उच्च शिक्षा जो हायर सेकेंडरी होती है, तो ये दोनों एक ही चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि ये विद्यालय से संबंधित होती हैं। तो इन चीज़ों का क्या संबंध होना चाहिए, तो क्या संगठन होना चाहिए यानी संरचना होनी चाहिए, तो इन चीजों के लिए उपाय सुझाना ही मुदलियर आयोग की स्थापना की गई थी। तो मेन शॉर्ट में 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियर इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम मुदालियर आयोग पड़ा। और मेन इसका जो उद्देश्य था वो था कि जो प्रचलित माध्यमिक शिक्षा की जांच करना और माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, संगठन और उच्च शिक्षा से संबंध के बारे में अपने सुझाव बताना था, ठीक है। देखिए उन्होंने जो मुदालियर आयोग था, उन्होंने जो अध्यापक की समस्याएं होती हैं और अध्यापक शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उनको भी उन्होंने प्रस्तुत किया था, विश्लेषण उसका किया था। और उन्होंने अध्यापक शिक्षा की दो जो संस्थाएं होनी चाहिए उन्होंने ये बताई थी, उन्हें जो संस्तुत देते हैं, सुझाव देते हैं, तो उन्होंने सुझाव दिया था कि अध्यापक शिक्षा के लिए दो प्रकार की संस्थाएँ होनी चाहिए। सबसे पहला उन्होंने बताया था कि एक अलग बोर्ड के अधीन प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ, जिनका उद्देश्य उन सभी अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करना है जिन्होंने SLC यानी मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी कक्षा उत्तीर्ण की हो, वह यह कार्यक्रम 2 वर्ष का होगा। देखिए उस समय जो तो मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी इसी के बेस पे जॉब मिला करती थी, टीचर हुआ करते थे, क्योंकि मेन ये उस समय की हायर एजुकेशन हुआ करती थी, तो उनके लिए भी प्रशिक्षण होना चाहिए। जैसे आज जो लोग हैं, आज के टीचर हैं, BA BSc बैचलर ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हैं, देन इसके बाद BTC DLED या फिर BA करते हैं और टीचर होते हैं, तो उनको भी जो है आपके डाइट में क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये मुदालियर आयोग ने उस समय अपने उसमें कहा था कि जो अध्यापक है उनके लिए भी अलग से एक प्रशिक्षण संस्थान बनाया जाए और उनको वहां पे प्रशिक्षित किया जाए, और जो ये कार्यक्रम का ड्यूरेशन जो है वो 2 साल का होना चाहिए, 2 ईयर का। फिर माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं जो विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त तथा संबद्ध होंगी और जिनका उद्देश्य स्नातकों को 1 साल के अवधि के लिए प्रशिक्षित करना था। तो देखिए फर्स्ट में उन्होंने ये कहा था कि प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, इस चीज को याद रखिएगा, फर्स्ट में उन्होंने प्राथमिक की बात की थी कि प्राथमिक जो अध्यापक है उनके लिए प्रशिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए, और दूसरे में उन्होंने माध्यमिक अध्यापक के लिए कहा था कि जो माध्यमिक अध्यापक है उनके लिए प्रशिक्षण संस्थाएं होनी चाहिए और जो विश्वविद्यालयों से मान्यता प्राप्त तथा संबंध होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन कि मुदालियर आयोग की 2 संस्तुत क्या थी, तो उन संस्तुत में आप यही लिखेंगे कि अध्यापक शिक्षा की जो समस्याएं थी उनके उन्होंने इसमें विचार किया था और उपाय दिया था कि उनके लिए 2 संस्थाएं होनी चाहिए, और उनकी संस्तुत में आप एक ये लिखेंगे कि प्राथमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं और दूसरे में लिखेंगे माध्यमिक अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएं, ठीक है।
उन्होंने एक चीज और थोड़ा ये इस चीज में आप कर सकते हैं कि जो प्रशिक्षण महाविद्यालय शिक्षण होते थे शिक्षण शास्त्र के अनेक महत्वपूर्ण पक्षों पर भी शोध कार्य करेंगे जो प्रशिक्षण महाविद्यालय हुआ करते थे, और प्रत्येक महाविद्यालय के साथ एक प्रायोगिक विद्यालय जोड़ा जाएगा। नहीं, महाविद्यालय का मतलब जो कॉलेज हुआ करते थे तो उनके साथ एक प्रायोगिक विद्यालय भी जोड़ा जाए होना चाहिए। जो आवासीय सुविधाएं होती थी वो निशुल्क प्रशिक्षण की सिफारिश की थी, जो आवासीय सुविधाएं हैं उनके सही थी, यानी रहने की भी सुविधा दी जाए जो प्रशिक्षण जिनको दिया जाए, और साथ में सुविधा जो है निःशुल्क होनी चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति, जिसे हम दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जानते हैं, और जो 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए जो स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता के बाद जो है तो महिलाओं तथा लड़कियों की समस्याएं एवं प्राथमिकता बनी थी। मेन समस्या जो थी वो महिलाओं एवं लड़कियों की थी कि उन्हें शिक्षा से महरूम रखा जाता था, उन्हें शिक्षा नहीं दी जाती थी, निम्न तबका समझा जाता था, और लड़कियां तो पहले भी बोझ हुआ करती थी यही समझा जाता था। तो जब उनके होने पे खुशी नहीं होती तो उनको शिक्षा कैसे दी जाती, तो ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। और जुलाई 1957 में योजना आयोग के शिक्षा संबंधी चयन पैनल ने सिफारिश की थी कि प्रारंभिक माध्यमिक तथा प्रौढ़ स्तरों पर लड़कियों की शिक्षा की प्रकृति से संबंधित प्रश्न के विभिन्न पक्षों की जाँच करने और ये मालूम करने की क्या वर्तमान शिक्षा प्रणाली उन्हें एक खुश तथा अर्थपूर्ण जीवन व्यतीत करने में सहायक है अथवा नहीं, यानी जो शिक्षा प्रणाली चल रही थी उससे लड़कियों को कोई लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसलिए एक समिति का गठन किया जाए। ये 1957 में एक योजना आयोग का जो चयन पैनल था उसने सिफारिश की थी, और इस सिफारिश को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने मई 1958 में महिलाओं की शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, और देखिए जिसकी अध्यक्षता श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख को बनाया गया अध्यक्ष, और इसीलिए इसका नाम श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख पड़ा। तो देखिए जितने भी जो इसके अध्यक्ष रहे हैं समिति के वो उन्हीं के नाम से उनको जाना गया, ठीक है। और जो ये रिपोर्ट उस समिति ने 1958 में अपनी प्रकाशित की थी, और उसमें अनुशंसा की थी कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने को उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और केंद्र और राज्यों द्वारा इस समस्या का सामना करने के लिए एक साहसिक तथा दृढ़ संकल्पित निश्चित प्रयास करना चाहिए, यानी केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर साथ में चलना होगा। और उन्होंने ये भी एक सिफारिश की थी कि मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा की सिफारिश की, और हाई स्कूल स्तर पर लड़कियों के लिए ऐसे अलग विद्यालय स्थापित करने की संस्तुत की जहां पर लड़कियों के लिए उपयुक्त तथा और अधिक विविध पाठचर्याओं पर प्रावधान हो। पहले क्या होता था कि लोग तो लड़कियों को कॉलेज स्कूल जाने नहीं देते थे, शिक्षा ही नहीं देते थे, वंचित रखते थे। साथ में मेन प्रॉब्लम यह थी कि लड़के और लड़कियाँ साथ में पढ़ेंगे, ये लोगों को गवारा नहीं होता था। इसलिए इस समिति ने ये एक सिफारिश की कि जो लड़कियों के लिए स्कूल है वो अलग से बनवाए जाएं, और जो जितनी भी सुविधाएं हैं उस स्कूल में दिए जाएं, सिर्फ वहाँ पे लड़कियां ही पढ़ें, लड़के वहाँ पे ना पढ़ें। ये जो मेन सिफारिश थी आपकी दुर्गाबाई देशमुख समिति की थी। इस समिति ने और भी थोड़ी इच्छा व्यक्त की थी, जो माताएं होती हैं क्रेचर शिशु सदन होते हैं जहाँ बच्चों को रखे जाते हैं, महिला अध्यापकों के प्रशिक्षण, पौर महिलाओं के लिए बेरोजगारी सुविधाओं का उपयुक्त प्रावधान किया जाना चाहिए। तो आप मेन सारिश से ये निकाल लीजिए कि जो भारत की पहले स्थिति कैसी थी, आप उसको लिख दीजिए कि लड़कियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, समाज में स्थिति उनकी दयनीय थी, उनको ऊंचा उठाने के लिए महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया गया, और एक चयन समिति थी जिसने ये बात रखी, और उसको मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार ने भारत सरकार ने 1958 में एक समिति गठित की श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में, और गठित की गई जिसको श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से हम जानते हैं। और उसमें उन्होंने अनुशंसा की थी कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में समानता लाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और इस समस्या से निपटने के लिए केंद्र और राज्य को एक साथ में मिलकर काम करना होगा। और उन्होंने बहुत सारी और चीजें रखी थी, अनुशंसा रखी थी कि मिडिल स्कूल स्तर पर सह शिक्षा की सिफारिश की गई थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि स्कूल जो हाई स्कूल स्तर पर है, यानी मिडिल स्कूल तक का जो है लड़का लड़की दोनों बॉयज एंड गर्ल्स को साथ में शिक्षा दी जाए, उन्होंने
कहा, लेकिन जो हाई स्कूल है आपका उसके लिए लड़कियों के लिए अलग से विद्यालय स्थापित करने चाहिए, अलग से विद्यालय खोलने चाहिए और जहाँ पे लड़कियों को पूरी सुविधाएं देनी चाहिए, माताएं जो है उनके लिए शिशु सदन और महिला जो अध्यापक है उनको भी प्रशिक्षण देने चाहिए, जो प्रौढ़ महिलाएं हैं जो एजेड महिलाएं हैं उन लोगों के लिए रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाने चाहिए। तो ये मेन चीज थी, संस्तुत थी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख शिक्षा समिति का। मेन है आपका या कोठारी आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1964-66। तो देखिए ये कोठारी आयोग क्या है, तो देखिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं, बहुत सारे आयोग बनाए गए थे, बहुत सारे आयोग समितियों ने अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत की, अपनी विचार व्यक्त किए कि शिक्षा में परिवर्तन लाने के लिए क्या क्या किए जा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार को इससे संतुष्टि नहीं हुई क्योंकि देश में शिक्षा की प्रगति जो थी वो बढ़ नहीं रही थी। और ऐसा अनुभव भी किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था भारत सरकार को कि एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष व क्षेत्र सम्मिलित हो जाएं। और 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर डी एस कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया। तो ये हो गया आपका कोठारी आयोग से आप क्या समझते हैं, क्या जानते हैं और क्यों गठन किया गया, यदि ये बात आती है तो एक ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण करने के लिए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष व क्षेत्र सम्मिलित हो जाएं, इसलिए इसको पूरा करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया। मेन इसका उद्देश्य क्या था, देखिए तो इसका जो उद्देश्य था वो था शिक्षा के विकास के सभी स्तरों व पक्षों के लिए समान सिद्धांत, जो जस्ट अभी मैंने बताया था, चाहे तो आप इसे पढ़ लीजिए कि शिक्षा के विकास के सभी स्तरों व पक्षों के लिए समान सिद्धांत व नीतियां तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा व सरकार को सलाह देना था, ठीक है। या फिर आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका निर्माण ऐसी व्यापक शिक्षा नीति का निर्माण किया जाए जिसमें शिक्षा के सभी पक्ष व क्षेत्र सम्मिलित हों तथा सिद्धांत एवं नीतियां तथा शिक्षा की राष्ट्रीय रूपरेखा पर सरकार को सलाह देना मेन उद्देश्य था कोठारी आयोग का। चलिए आगे इसमें देख लेते हैं, तो जैसे शैक्षिक क्षेत्रों के लिए विद्यालयी शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जो जैसे व्यवसायीकरण कहते हैं, कृषि शिक्षा इत्यादि, जो 7 टास्क फोर्स थे यानी कार्यबलों का निर्माण किया और विभिन्न विशिष्ट समस्याओं के व्यापक अध्ययन के लिए रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7 कार्य समूहों का निर्माण किया गया, ठीक है ना। और इन कार्य समूहों की रिपोर्टों के आधार पर आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को विस्तार से गहन रूप से जाँच की थी। अब वो जांच क्या थी, देखिए मेन था कि शिक्षा सामाजिक पुनर्निर्माण का, राष्ट्र निर्माण तथा विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी के विषय में अवगत कराने का मुख्य साधन होती है। तो आयोग ने ये कहा था, आयोग की नज़र में क्या थी शिक्षा, कि सामाजिक पुनर्निर्माण, राष्ट्र निर्माण और लोगों के विकास में सरकार के साथ लोगों की साझेदारी का मेन महत्व होता है और आयोग की इच्छा थी कि लोगों को राष्ट्रीय विकास में भागीदार बनना चाहिए यानी राष्ट्रीय विकास लोगों को साथ देना चाहिए। और इस आयोग की रिपोर्ट का यही आधार रहा है, आयोग के विचार में शिक्षा के लक्ष्य तथा उन्हें साकार करने के लिए निम्नलिखित संस्तुतियां की गई थी। आप जो कोठारी आयोग है उनकी संस्तुतियां देख लीजिए कौन कौन सी थी, मेन इंपॉर्टेंट है उद्देश्य और संस्तुतियां, सभी भी जितने भी आयोग स्थापित किए गए थे सन याद कर लीजिए, उद्देश्य याद कर लीजिए किस उद्देश्य से इनकी स्थापना की गई थी, उनकी संस्तुतियां ने क्या सुझाव दिए थे ये याद कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे उत्पादकता वृद्धि के लिए शिक्षा पहले संस्तुत थी, पहले सुझाव उन्होंने दिया था कि विज्ञान को शिक्षा और संस्कृत का मुख्य घटक बनाना, सामाजिक रूप से सामान्य शिक्षा के एक अभिन्न भाग के रूप में रखना और उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, ठीक है, और विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी स्रोत तथा शिक्षा में सुधार लाना। तो इसमें से आप विज्ञान को शिक्षा और संस्कृत का मुख्य घटक बनाना, यानी विज्ञान और शिक्षा भी होने चाहिए और उद्योग तथा कृषि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षा का व्यवसायीकरण, शिक्षा में व्यवसायीकरण करना और विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी शोध तथा शिक्षा में सुधार लाना। इसी तरह आधुनिकीकरण देख लीजिए, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा, एक ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को त्वरित करने के लिए शिक्षा से क्या आशय है, क्या समझते हैं आप। देखिए अध्यापक की नई विधियों को अपनाना, जो अध्यापन की नई विधियां नए मेथड होते हैं उनको अपनाया जाए, जिसे हम शिक्षण विधियां बोलते हैं, ठीक है।
वांछनीय अभिवृत्तियों, मूल्यों तथा स्वाध्याय जैसे अनिवार्य कौशलों को विकसित करना, यानी सिर्फ जो शिक्षा है वो पाठचर्या से ही ना ली जाए, सिर्फ बुक से ना ली जाए, बाहर से भी शिक्षा बच्चों को ग्रहण कराई जाए, बाहर के परिवेश से, बाहरी वातावरण से बच्चे खुद पढ़ें, ऐसा उनको ट्रेंड किया जाए। फिर है समाज के सभी वर्गों को, वर्गों के व्यक्तियों को शिक्षित करना, यानी शिक्षा जो है समाज के सभी वर्गों तक पहुंचाया जाए, और देश में उत्कृष्टता युक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना, यानी अच्छे विद्यालयों की स्थापना की जाए। फिर तीसरा सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता के प्रोत्साहन के लिए शिक्षा है, तो इसमें देखिए सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास होना चाहिए, हिंदी को तेजी से समृद्ध करने के प्रयास होने चाहिए, और विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और राष्ट्रीय मूल के अंतर्वेशन के लिए शिक्षा, यानी नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल को शामिल करना, ऐसी पाठचर्या का निर्माण करना जिससे विश्व के धर्मों के विषय में जानकारी मिल सके, सभी धर्मों को पढ़ाया जाए। मौन ध्यान के लिए विद्यार्थियों को समूह में बैठने के लिए प्रोत्साहित करना, ग्रुप डिस्कस जो होता है वो होना चाहिए। विद्यार्थियों के समक्ष सामाजिक न्याय व समाज सेवा के उच्च आदर्श प्रस्तुत करना मेन जो था, ये संस्तुत थे आपके कोठारी आयोग के। और जैसा कि आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि कोठारी जो आयोग रिपोर्ट है वो भारतीय शिक्षा की एक पांडित्यपूर्ण समीक्षा है, और आज भी अर्ध शताब्दी बीत जाने पर भारतीय इतिहास में प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा का सर्वाधिक गहन अध्ययन समझा जाता है, यानी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए थी आपकी कोठारी आयोग गठित किया गया था, और इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट है कोठारी आयोग, इसको आपको 100% डन कर लेना है, ठीक है। कम शब्दों में, एक सार्वजनिक शिक्षा यानी सबके लिए, एक सामूहिक विद्यालय प्रणाली यानी सबकी, सबके लिए और सामूहिक यानी सबकी विद्यालय प्रणाली का समर्थन किया, जिसमें जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी पक्षपात को सबको निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने का प्रावधान है। और इस आयोग ने सामूहिक शिक्षा प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए कुछ आवश्यक उपाय सुझाए थे, इन्होंने अपने ये विचार रखे थे, अब इनके उपाय देख लीजिए क्या हो सकता है। 60 शब्दों में, गुणवत्ता शिक्षा देने के लिए अपेक्षित आधारित ढांचा निर्मित करना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के माध्यम से सभी को निःशुल्क शिक्षा देना, फर्स्ट, सेकंड कर लीजिए यहीं पे आपकी माध्यमिक स्तर पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा देना, ठीक है, यदि कोई सहायता प्राप्त विद्यालय मातृभाषा तथा क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में शिक्षा देता पाया जाए तो उसे सहायता बंद कर, राजकीय सहायता जो मिली मिलती थी राज्य की तरफ से उसे बंद कर दी जाए, ये मेन था। और जो भी आपका सामूहिक विद्यालय प्रणाली को 10 वर्ष के अवधि में पाक्षिक रूप से लागू करना, और यदि प्रारंभिक चयन प्रक्रिया, ट्यूशन शुल्क और कैपिटेशन शुल्क आदि समस्याओं से निपटने के लिए अनिवार्य न्यूनतम कानून बनाना, तो ये और गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा निम्नलिखित के माध्यम से, तो मेन ये था आपके उपाय, लेकिन उपाय इसके बहुत कम पूछे जाते हैं, कोठारी आयोग का जो है संस्तुति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि मेन इम्पॉर्टेंट स्किन की संस्तुतियाँ हैं। एक नज़र देख लेते हैं इस्पाल समिति का 1992 में, मेन इसका क्योंकि प्रोफेसर अस्पताल की अध्यक्षता में किया गया था, और राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया, जिसका मेन उद्देश्य था विद्यालयी बच्चों पर से शैक्षिक बोझ को कम करने के उपाय सुझाना। अभी तक की जो समितियां थी तो माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों को लेकर थी, उनके संरचना को, उनको संगठन को लेकर थी, लेकिन एक ऐसी समिति बनाई गई थी कि जिसका सिर्फ काम था कि जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके ऊपर से शैक्षिक यानी शिक्षा का बोझ है उसको कैसे कम किया जाए, और पाठचर्या बोझ का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात इस्पाल समिति ने निष्कर्ष निकाला। निष्कर्ष क्या निकला कि विद्यालय इन बच्चों पर बोझ की समस्या मात्र इसलिए उत्पन्न नहीं हो कि विद्यालय की पाठचर्या परिरूप जो डिजाइन है वो त्रुटिपूर्ण है, या अध्याय कम सक्षम है, या विद्यालय प्रशासन कमजोर है, या पाठ्यपुस्तकें उपयुक्त नहीं है, अपितु बोझ की समस्या इसलिए भी है कि हम वास्तविक योग्यता सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की अर्हताओं या डिग्रियों को अधिक महत्व देते हैं। यानी इसका सार ये निकलता है कि उन्होंने ये निकाला, क्योंकि बच्चों के बोझ, शैक्षिक बोझ को कम करना था, तो उन्होंने
उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि जो विश्वविद्यालय जो विद्यालयी बच्चे हैं उनके लिए बोझ इसलिए नहीं है कि जो विद्यालय की जो सिलेबस उनका है वो सही नहीं है, या फिर उनको अध्ययन सही नहीं कराया जाता है, या फिर जो प्रशासन तंत्र है वो कमजोर है, या जो पाठ्य पुस्तकें हैं बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि मेन जो समस्या है वो था कि वास्तविक योग्यता और सक्षमता के विकास की तुलना में बच्चों की अर्हता या डिग्रियों को अधिक महत्व, यानी बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनको कितना नॉलेज हो रहा है, इस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता था। सिर्फ महत्व दिया जाता था कि बच्चे हमारे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पास होके आ रहे हैं और डिग्रियाँ ले रहे हैं, यानी उन डिग्री लेने का ही मतलब होता था कि उन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली, उनको ज्ञान हो रहा या नहीं हो रहा इससे मतलब नहीं होता था। यही था विद्यालयी बच्चों के शैक्षिक बोझ को कम करना। और ये विचार भी मान रही थी वो कि पाठ्यचर्या निर्माण तथा पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने का इस प्रकार विकेंद्रीकरण कर दिया जाए ताकि इस प्रक्रिया में अधिक अध्यापक, एजुकेटर तथा विशेषज्ञ अधिक स्वायत्तता के साथ सम्मिलित हो सके। तो ये आपकी जो यशपाल समिति है, मेन इसके क्या उद्देश्य थे और उन्होंने अपने क्या सुझाव दिए, आइए आप पढ़ लीजिए। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए कि साथ में उनका यह भी विचार था कि बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय में बहुत भारी बस्ता लाने के लिए विवश नहीं किया जाए कि वो बैग लेके बहुत बजरी जितना भी सिलेबस कोर्स है वो लेके आए, और पाठ्य पुस्तकों को विद्यालय की संपत्ति समझना चाहिए और बच्चों को व्यक्तिगत पुस्तकें खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी उनको जो बुकें हैं वो स्कूल की तरफ से दी जानी चाहिए और ना ही वे प्रतिदिन पुस्तकों को घर ले जाएं, मतलब स्कूल की तरफ से पुस्तकें अवेलेबल कराई जाए, वो वहाँ पे पढ़े हुए और इसके बाद वहीं पे रख के घर जाएं। और उनका ये विचार भी था कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गृह कार्य के बोझ तले नहीं दबाना चाहिए, यानी कि जो होमवर्क है वो बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, बल्कि घर के इर्द गिर्द के वातावरण का अन्वेषण पर्यवेक्षण करते रहें, बच्चे उन्हीं से बहुत कुछ सीख लेते हैं। और साथ में थोड़ा सा यशपाल समिति आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये जो इन्होंने विचार दिया था वो है प्राथमिक कक्षाओं के लिए कि प्राथमिक कक्षाओं में सभी विषयों में पाठ्यचर्या तथा पाठ्यपुस्तकें अवधारणा आधारित हों और प्राथमिक कक्षाओं के सभी विषयों की पाठ्यपुस्तकें एवं पाठ्यक्रम में विषय में अपनी टिप्पणियाँ दी हैं। इनके अनुसार भाषा संबंधी पाठ्यपुस्तकों में आम प्रयोग में आने वाले मुहावरे प्रतिबिंबित होने चाहिए, यानी मुहावरे भी होने चाहिए। बच्चों की जीवन संबंधी अनुभूतियों, काल्पनिक कहानियों, कविताओं, देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रतिबिंबित करने वाली कहानियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यानी प्राइमरी की जो बुकें हैं उनमें कहानियां और जो कविताएं हैं उन चीजों का समावेश, जैसा कि हम लोग देखते हैं आप पढ़ा रहे हैं तो आपको पता है कि प्राइमरी लेवल की जो बुकें होती हैं किस तरह की होती हैं, बहुत रुचिपूर्ण होती हैं, कहानियां होते हैं, मुहावरे उसमें तो मुहावरे होते ही हैं, कहानियां होती हैं और कविताएं होती हैं, बच्चों का मन लगा होता है। इसीलिए कहा गया है कि बहुत ज्यादा लोड नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का फुल्का उनका जो सिलेबस है होना चाहिए, कविताएं कहानियां सब चीजें मुहावरे होने चाहिए। यानी मेन जो ये आपकी यशपाल समिति है वो प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इसको एक नज़र ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप भी प्राइमरी जो डीलेट कर रहे हैं तो प्राइमरी के आप भी टीचर ही हैं, तो हो सकता है कि इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए। और गुणवत्ता को यानी अधिगम की जो गुणवत्ता को सुधारने की दृष्टि से यशपाल समिति चाहती थी कि निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करें और जो मानदंड हैं वो कठोर होने चाहिए और गांव, खंड और जिला स्तर पर शिक्षा समितियां बननी चाहिए जो कि हैं, और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विद्यालयों की योजना और पर्यवेक्षण का दायित्व ले सकें। और इसी समिति के बाद ही जिला, खंड से आपका पंचायती वगैरह सब कुछ को सबकी स्थापना की गई और जो शिक्षा का भार है प्राइमरी का वो पंचायती राज खंड को जिला को सौंप दिया गया। तो यशपाल समिति के प्राथमिक शिक्षक ने निम्नलिखित गुणवत्ता मानदंडों का सुझाव दिया था, तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। और क्वेश्चन ये बन सकता है कि यशपाल समिति ने प्राथमिक शिक्षा के लिए किन गुणवत्ता मानदंडों का सुझाव दिया था। देखिए तो आपका इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय ग्रेडिंग में प्राप्त श्रेणी, समाज में प्रतिशतता और उपस्थिति यानी जो हाजिरी होती है, प्रतिशतता यानी जो बच्चे हैं 100% स्कूल आए। एक और है शिक्षा के गुणवत्ता मानक होते हैं किन आधार पे हो सकते हैं, तो देखिए शिक्षा के गुणवत्ता मानक किन आधारों पर तैयार किए जाते हैं, तो अध्यापकों की तैयारी, अध्यापन विधि, शैक्षिक सहायक सामग्री का उपयोग, बच्चों की जो क्रियाएं होती हैं और उनकी जो प्रतिभागिता होती है, विद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त उपलब्धि होती है, कक्षा प्रबंधन होता है, कला, कार्य अनुभव, शारीरिक शिक्षा को पढ़ाने की प्रक्रिया, पर्यावरण का अध्ययन, कार्यकलाप जो होते हैं, ये सभी शिक्षा के गुणवत्ता मानक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमारी कोशिश थी कि आपके समझ में आ जाए, हम अच्छा आपको समझा सकें। और इसी तरह अभी ये 501 फर्स्ट यूनिट चल रही है, अभी इसके बहुत सारी इकाई है, सेकंड ब्लॉक है, थर्ड ब्लॉक है, तो जितने भी क्वेश्चन उसमें हैं, देन जो सेकंड आपका सब्जेक्ट है, सभी की इसी तरह से वीडियोज हम लेके आएंगे, जो आपके PDF में क्वेश्चन दिए हुए हैं उन्हीं के आंसर हम लेके आएंगे। तो चलिए फिर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए।